नोट्स, अपने पेजेस से। मैं जरूर अहमद, अभी जो है मैंने कुछ वीडियो आपको बताई थी, अभी जो है मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू सेटअप थीम। पहले आपने थीम अपलोड की थी, कोई भी थीम हो उसकी सेटअप करने के लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। जैसे ये आ गया जी, मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड, तो आपने जो भी थीम इंस्टॉल करेंगे ना उसका नेम होगा। मेरे पास थीम जो है उसका नेम शिफा है, तो उसी के नेम पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें। तो हर थीम की अपनी अपनी सेटिंग होती है, मैं आपको शिफा की सेटिंग बता रहा हूँ। तो ये शिफा जो है ये मुकम्मल थीम मेरे पास है, तो इसकी सेटिंग जो है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये मैंने इसका लोगो लगा दिया है जनरल सेटिंग में। उसके बाद होम पेज है, होम पेज में मैंने डिफॉल्ट ही रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरी मैंने बनाई हुई है कुछ, वो आ गई। उसके बाद थीम सिलेक्शन की हुई है, ये थीम भी है, ये भी है, इसके डिफरेंट कलर हैं, देखें कोई भी आप रख सकते हैं। ये मेरा जो है वो फीड बर्न है अपने पेजेस का। उसके अलावा ये फेसबुक है, उसके अलावा ट्विटर है, तो ये डिफरेंट जो है वो मैंने दिए हुए हैं। देखें यूट्यूब का भी है, वीमो का भी है, अच्छा ये प्रिंटरेस्ट का भी है। कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, कुछ जो है आपको ऑन करनी पड़ेंगी। आर्टिकल सेटिंग है, शो फैक्ट्री इमेज मैंने जो है वो ऑफ किए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे इसकी कैटेगरी भी बनी हुई है, इसकी स्लाइड बार भी थी एक, वो मैंने बंद की हुई है। फुटर सेटिंग भी थी, फुटर सेटिंग में ये देखे मैंने ये किया हुआ है, ऑल राइट सर्विस बाय 2015 बाय अपने पेजेस डॉट कॉम पावर्ड बाय अपने पेजेस। तो ये एडसेंस का कोड है, ये एडसेंस की सेटिंग भी जो है वो इन्होंने खुद ही दी होती है, ठीक है। ये बैक साइड पे जो है मैंने ये कलर दिया, आप चेंज भी कर सकते हैं। टू चेंज मेन नेविगेशन बैकग्राउंड नीड्स, चाहिए मेन्यू के कलर वगैरह हैं, जो जो ये कलर है ना ये आप चेंज कर सकते हैं। ये मेकिंग मनी है, SEO, ये वो, इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, ये कलर भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा तो जैसे ये हमने थीम इंस्टॉल करनी है उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, तो उधर इसका नेम आ जाएगा, तो उधर से हमने इसकी सेटिंग करनी है। अच्छा सेटिंग के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।